बस बस भाग कहाँ कर रही है, छोड़ ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम रूप सिंह यादव, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। चलिए गाइस, तो आज का जो मेरा विषय है, आज का जो मेरा टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी नर्मदा। और नर्मदा की क्लास है आज, सभी लोगों को जल्दी से आ जाइए, मेरी वॉइस आ रही है तो मैं क्लास शुरू कर सकता हूँ। ओके, चलिए नाउ क्लास शुरू हो रही है और चालू भी हो चुकी है। हेलो पवन, वॉइस आ रही है बेटा, क्लियर? चलिए, नमस्ते वंदना, सुन पा रही हो? वॉइस साउंड क्लियर है? क्लास अपन ले सकते हैं? चलिए, ओके, साउंड क्लियर है? ओके, तो मैं क्लास ले स्टार्ट करूं? चल गए। तो नाउ गाइस, आप सभी के लिए एमपीपीसीएन व्यापम चैनल पर आज मेरी क्लास है। अनअकैडमी प्लस पर अगर मेरे साथ आप पढ़ना चाहते हैं तो रेफरल कोड रूप लाइव डाल के ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरी किताब मध्य प्रदेश एक समग्र अध्ययन, जो नंबर वन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्रांडिंग किताब है, सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद आने वाली किताब है, समान हिंदी। इसके अलावा मध्य प्रदेश समसामयिक की सूचना व संचार प्रौद्योगिकी संवैधानिक सार्वधिक संस्थान मध्य प्रदेश एक कॉम्प्रेंसिव स्टडी। अगर आप अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध रहेंगे, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा जिससे आप सभी एडुकेटेड क्लास देख सकते हैं एक ही कोर्स में। और इसके लिए रेफरल कोड क्या डालोगे, रूप सर। रूप सर रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं आप इसके बाद। चलिए, अनअकैडमी पे इसके अलावा आपको प्रत्येक 8 बजे 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट रहता है जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एमपीएसआई का 1 अप्रैल 2021 से क्लास शुरू हो चुकी है, तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपने जो है 14 अप्रैल से जो है एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का नया बैच, बिल्कुल प्योर बैच आप सभी के लिए शुरू हो रहा है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 13 अप्रैल से लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 1 मंथ का बैच शुरू हो रहा है जहां आप एमसीक्यूज के माध्यम से अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए 24 मार्च को एमपीपीएससी का एक न्यू बैच शुरू हुआ था और एक नया बैच 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है। एमपीपीएससी का टारगेट बैच जो है हिंदी मीडियम का 4 मंथ का, ये 15 अप्रैल से चालू होगा। आप मेरी कोई भी मॉक टेस्ट क्लास देखना है तो यहां पर क्लिक करके टेस्ट पर रेफरल कोड रूप सर डाल के ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसके अलावा प्रत्येक टॉपिक आपको स्टार्ट करना है, प्रत्येक टॉपिक पर जाके कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आप अनअकैडमी के जो प्लस पर वर्चस्व मैगजीन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये अनअकैडमी की फी है जहां आप जो है रेफरल कोड रूप लाइव डाल के क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब नाउ गाइस, एक और चीज लास्ट, आपको नोट्स कैसे मिलेंगे जो मैं क्लास ले रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स और डिजिटल नोट्स कैसे? तो आप या तो रूप सर रेफरल कोड जो है टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए या अनअकैडमी लक्ष्य। क्या सर्च करना है आपको, फिर अनअकैडमी लक्ष्य ज्वाइन करिए जहां सभी मेरे विद्यार्थी ज्वाइन किए हैं। यहाँ 7.7 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पर भी बस ये 15 दिन पहले बनाया गया चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आप सभी के लिए। तो चलिए, पहले बैकग्राउंड कौन सा ले लूं, आप लोग को ब्लैक बैकग्राउंड पसंद आया था कल, राइट? व्हाइट बैकग्राउंड रखिए कि ब्लैक? चलो ये अपना ब्लैक बैकग्राउंड। तो नर्मदा कहां से निकली, नर्मदा कहां से निकली, अमरकंटक से। अमरकंटक कहां पड़ता है, अनूपपुर जिले में। कहां पड़ता है ये, अनूपपुर जिले में। कौन सी तहसील है, तो पुष्पराजगढ़ तहसील है। यहां से नदी जो है ये शुरू हो चुकी है। नदी जहां से निकलते हो, जिला कौन सा है, अनूपपुर। अनूपपुर के बाद ये नदी अपना डिंडोरी,
मंडला, शहडोल, इसके बाद जबलपुर, होशंगाबाद, इसे नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं, नरसिंहपुर, हरदा, हरदा के बाद ये नदी हमारी आगे चलती है, तो रायसेन, सीहोर, खरगोन, खंडवा, धार, नेमावर, अलीराजपुर, बड़वानी से बहने के बाद नदी मेरी महाराष्ट्र पहुंचती है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, कहां पर गुजरात, इसके बाद मैं खम्मात की खाड़ी में ये नदी एंड हो गई, कहां पर हो गई, खम्मात की खाड़ी में, यानी कि नदी निकली कहां से, अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के 16 जिले बहते हुए महाराष्ट्र, गुजरात और खम्मात की खाड़ी, कितने जिले गई है, 16, कैसे, अनूपपुर 1, डिंडोरी 2, शहडोल 3, मंडला 4, जबलपुर 5, नरसिंहपुर 6, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन 9, सीहोर 10, खरगोन, नेमावा, देवास का 12, खंडवा 13, धार 14, बड़वानी 15, अलीराजपुर 16 जिले, कितने जिले बहती है गाइस, अपनी नदी 16 जिले बहती है, कितने जिले बहके गई है यहां से देख रहे होंगे, तो 16 जिले नदी ने फ्लो किया। अब नदी कौन सी है, नर्मदा, कितने जिले गई है, 16 जिले, 16 जिले बहती है किसके, मध्य प्रदेश के, तो प्रभाव क्षेत्र कितने जिलों में हो गया इसका, 3 क्षेत्रों में, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। अब देखो प्रभाव क्षेत्र के बाद नदी की हम क्या लिखेंगे, लंबाई, क्या बताओगे, लंबाई, टोटल लेंथ है 13-12 किलोमीटर, इस 13-12 में से मध्य प्रदेश कितनी जाएगा, इस 1077 किलोमीटर अपने मध्य प्रदेश में बहती है, कितना किलोमीटर बहती है गाइस, ओनली 1077। प्रभाव क्षेत्र कितने राज्यों में, एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात, टोटल डिस्टेंस 13-12, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर ये बहती है। अब क्वेश्चन हमसे आगे समझिए, किसी भी नदी को पढ़ो तो नदी के हमेशा उपनाम याद होना चाहिए, और गंगा जो नर्मदा है ये तो कई नाम से जानते हैं, तो समझिए नर्मदा को हम क्या बोलते हैं, नेत्रवती, नेत्रवती नदी जो है मध्य प्रदेश को दो भाग में बांटती है, उत्तर और दक्षिण, तो नेत्रवती किसका नाम था, नर्मदा का, इसे निबुद्धा कहा गया, निबुद्धा किसमें कहते हैं अपन, बोध ग्रंथ में, बोध ग्रंथों में इसका नाम क्या पड़ा है, निबुद्धा, लोगे बोध ग्रंथ में कौन सा नाम पड़ता है इसका, निबुद्धा। इसके अलावा जो है रेवा, तो मध्य प्रदेश का एक नाम रेवा के नाम पे है, अपने रेवोत्र के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं, एंड नर्मदा पे बसा हुआ राज्य क्षेत्र कौन सा है, रेवोत्र, और मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसका नाम नर्मदा नदी पर है, तो वो है रीवा, ठीक है, रेवा, साकरी, कुआरी, रेवा, साकरी, कुआरी, नामदासो, क्या बोलोगे आप इसे, नामदासो, एमपी की लाइफलाइन, क्या बोलोगे आप, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहते हैं, गुजरात की
लाइफलाइन किसे कहते हो? तो गुजरात की लाइफलाइन इसी को कहा जाता है। क्या बोलोगे? गुजरात की लाइफलाइन किसे कहते हो? तो गुजरात की लाइफलाइन अपन नर्मदा को कहते हैं। कौन सी नदी को कहते हैं अपन? नर्मदा को गुजरात की लाइफलाइन कहा जाता है। अब आ जाइए इसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर यहां पूछता है कि नर्मदा किसने नर्मदा को बोला, नर्मदा नाम किसने दिया, नर्मदा को नर्मदा किसने कहा। तो इच्छु बाकु वंश के राजा थे पुरकुतस। इनने इसे जो है नर्मदा नाम दिया। किसने दिया? इच्छुबाकु वंश के राजा पुरकुतस ने जो है इसे नर्मदा कहा, ठीक है। क्या बोलोगे? नर्मदा इसको नाम दिया। अब आ जाइए गाइस, चलिए आगे। अब तीन इसके सबसे इंपॉर्टेंट, नर्मदा का नाभि स्थल कौन सा पॉइंट, नर्मदा का नाभि स्थल, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसआई का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पे। दूसरा क्वेश्चन आता है, नर्मदा मैदानी क्षेत्र में कब आती है, नर्मदा मैदानी क्षेत्र में कब प्रवेश करती है। नर्मदा में ज्वार भाटा कितने किलोमीटर पे आता है। नर्मदा द्वारा निर्मित द्वीप, नर्मदा द्वारा निर्मित द्वीप के नाम बताओ। ऐसे कौन से द्वीप हैं जो नर्मदा निर्मित करती है? तो चलिए अब अपन ले लेते हैं ये वाला उत्तर। तो नर्मदा का नाभि स्थल किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं नेमावर। नेमावर कहां पड़ता है? देवास में। कहां पड़ेगा विद्यार्थियों? नेमावर देवास में जो है नर्मदा का नाभि स्थल नेमावर पड़ता है। नर्मदा मैदानी क्षेत्र में कब से आती है? तो क्या रखोगे गाइस? जबलपुर में। ज्वार भाटा कब आते हैं? 88 से 90 किलोमीटर इसके मुहाने से पहले। मुहाना क्या होता है? जहां नदी अपना पानी गिराती हो। तो नदी पानी कहाँ गिराती है? खम्भात की खाड़ी में। तो वहां पर जो है इसका नाभि स्थल है। तो ज्वार भाटा कितने पे आएंगे ध्यान रखना अपन। एक सेकेंड रुक जा, कौन सा कलर ले लूं, ये तो छप नहीं रहा है। चलो सही है, नर्मदा ज्वार भाटा 88 से 90। द्वीप एलियाबेट, कौन सा द्वीप बनाएंगे ये? एलियाबेट और खादियाबेट। एलियाबेट और खादियाबेट का ये निर्माण करती है। तो मेरे विद्यार्थियों इतना किसको आ गया जल्दी से बता दो, चल जल्दी से जल्दी से। नितिन डन, सारे विद्यार्थियों को आ गया। और आप सभी के लिए जो मैंने एक टेस्ट सीरीज जो है शुरू की है आप सभी के लिए, जो मेरे विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे मेरे ग्रुप पे मैसेज कर सकता है या मुझे नंबर से मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है, राइट गाइस। तो ऐसे जो विद्यार्थी अभी तक जो ज्वाइन नहीं किए हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ो आगे आगे बढ़े। चलो तो गाइस अब देखो डायग्राम अपना ये दिखेगा नहीं, तो यहां तक आपको कोई डाउट है नहीं है, तो मैं चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब चलिए अब देखो इस पर स्थित जलप्रपात। तो गाइस जलप्रपात पढ़ना है तो नदी को बहा दो फिर से, ये मेरी नदी ली और ये मेरा एंड पॉइंट। तो मैं वही वही पॉइंट लिखूंगा जहां पर जिले जहां वाटरफॉल बनेंगे। तो सबसे पहले अमरकंटक आ जाओ, कह रहोगे अमरकंटक में। तो अमरकंटक में कपिल जलधारा कौन सा बनेगा वाटरफॉल? कपिल जलधारा। फिर दुर्गा धारा,
शंभू धारा, दुग्ध धारा, ये चार वाटरफॉल किस जगह बनाए नदी ने? अमरकंटक में। चारों वाटरफॉल कहां बने मेरे विद्यार्थियों? अमरकंटक में ये चारों वाटरफॉल बनते हैं। अब आ जाओ, इसके बाद नदी आती है अपनी जबलपुर। किस जगह आती नदी? जबलपुर। जबलपुर में पड़ता है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा था? तो भृगु ऋषि। किस ऋषि के नाम पर पड़ा है? भृगु ऋषि के नाम पर यहां नाम पड़ा। तो यहां बनाती है धुआंधार। करोगे धुआंधार वाटरफॉल। इसी वाटरफॉल के पास में, धुआंधार वाटरफॉल के पास में बंदर कुदनी स्थान है। इस नाम का नाम बंदर कुदनी क्यों पड़ा? कि बंदर एक जगह से दूसरी जगह कूदते थे, इस कारण से बंदर कुदनी के नाम से जानते हैं। अब आ जाओ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64 योगिनी टेंपल, 64 योगिनी मंदिर किस नदी पे है? तो ये भी नर्मदा पे, भेड़ाघाट में। कल्चुरी वंश के द्वारा ये मंदिर निर्मित हुआ। फिर नदी आती है नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में क्या वाटरफॉल बनाती है? सतधारा वाटरफॉल, अर्जुन कुंड, भीम कुंड। याद रखना विद्यार्थियों, भीम कुंड एक जो है छतरपुर में भी है। कहां पर रखोगे? एक तो नर्मदा ने बना दिया, एक भीमकुंड कहां पर है? छतरपुर में है, ठीक है। इसके बाद नदी कहां चलती है अपनी? खंडवा। तो खंडवा के पास दो वाटरफॉल, मानधाता और दर्दी वाटरफॉल का निर्माण। ये दोनों जलप्रपात कहां बनते हैं? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद नदी पहुंचती है महेश्वर। महेश्वर में बनता है इस पर सहस्त्रधारा। कौन सा वाटरफॉल बनता है? सहस्त्रधारा। कहां बनता है? महेश्वर में। फिर नदी पहुंचती है गुजरात। गुजरात में कहां पे वाटरफॉल बनेगा? एना जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात बनता है? एना जलप्रपात। कौन सा वाटरफॉल रखोगे? एना वाटरफॉल कहां बनता है हमारा? जाके गुजरात में। कहां बनेगा ये वाटरफॉल? गुजरात में ये वाटरफॉल बनता है। अब आ जाओ, ये तो हमारे जलप्रपात की बात हो गई। नर्मदा को जीवित नदी कहा जाता है। कैसी नदी? जीवित नदी। ये किसने दर्जा दिया? तो एमपी हाई कोर्ट ने। इसे मानव की तरह अधिकार प्राप्त है। ये कब घोषित हुई? 1 मई 2017। नर्मदा से पहले कौन सी ऐसी नदियां हैं जिन्हें ये घोषणा की गई है? तो सुनो गाइस, इससे पहले गंगा और यमुना को ये दर्जा मिला, और इसे किसने किया था? उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो है इसकी घोषणा की थी। किसने? उत्तराखंड हाई कोर्ट में। 2017 में 6 करोड़ पेड़ लगाए गए थे। कितने? 6 करोड़ वृक्ष 2 जुलाई के दिन। 1 जुलाई से जो है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वृक्षारोपण चलता है हमारा। क्या होता है? वृक्षारोपण, वन महोत्सव बोलते हैं इसे। तो वन महोत्सव के दिन जो है ये हुआ था। तो हमने एक दिन में इसी जगह पे मध्य प्रदेश के 16 स्थानों पर, पूरे मध्य प्रदेश की जो बैली एरिया है वहां पे हमने 6 करोड़ पेड़ लगाए थे। अब समझिए, नमामि नर्मदे यात्रा की शुरुआत कब हुई? तो इसको हम एक और पेज ले ले। चलिए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं था? चलिए, कोई किसी का डाउट तो नहीं है? चलिए, कोई विद्यार्थी का डाउट नहीं है ना? चलो अब आ जाओ,
नमामि नर्मदे यात्रा। नमामि नर्मदे यात्रा की शुरुआत कब हुई थी, यानी ये जो प्रोजेक्ट है हमने कब शुरू किया था। तो सुनो गाइस, 11 दिसंबर 2016 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इसे खत्म होना था 11 मई 2017 को, लेकिन समाप्ति डेट कब हुई इसकी, 15 मई 2017 को। ये यात्रा 148 दिन चली थी। शुभारंभ शुभारंभ दलाई लामा ने, समाप्ति मोदी जी, कौन रखोगे, नरेंद्र मोदी, कौन रखोगे, नरेंद्र मोदी। अब इसी नदी पे अमरकंटक महोत्सव हुआ था, कौन सा, अमरकंटक महोत्सव किस नदी पे होता है, नर्मदा नदी पे। नर्मदा महोत्सव जबलपुर, होशंगाबाद और अनूपपुर, इन स्थानों पर ये महोत्सव आयोजित होता है। जबलपुर, होशंगाबाद और अनूपपुर, कहाँ होगी, जबलपुर, होशंगाबाद और अनूपपुर, यहां पर नर्मदा महोत्सव आयोजित होता है। अगर मैं इस नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी उसकी चर्चा करूं, तो इसकी सहायक नदी क्या रखूं, बेटा नर्मदा बहुत बड़ी नदी है, तो अपन एक एक पॉइंट को क्लियर करना होगा। तवा नदी आती है, तवा नदी कैसे मिलती है, सपोज करो ये निकलती है छिंदवाड़ा से, छिंदवाड़ा में जो महादेव पर्वत पड़ता है वहां से इस नदी का ओरिजिन होता है। यहां से नदी निकल के नरसिंहपुर बहते हुए अपनी नर्मदापुरम में मिल जाती है, कहां मिल जाती है, नर्मदापुरम, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बहती है, नरसिंहपुर। इसकी एक सहायक नदी कौन सी है, देनवा, ठीक है। तवा और देनवा कहां मिलती है, मड़ई में, तो यहां मड़ई महोत्सव का आयोजन होता है। ये जगह कहां पड़ती है, सतपुड़ा नेशनल पार्क में, कहां पड़ी गई, सतपुड़ा नेशनल पार्क में ये जगह पड़ती है, यहां मड़ई महोत्सव होता है। तवा नदी पर तवा परियोजना स्थित है, तवा परियोजना से कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलनी है, अपने 1000 मेगावाट, कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इससे, 1000 मेगावाट, 125 मेगावाट की 8 यूनिट, कितने हो गए, 125 × 8, टोटल कितना आएगा, 1000 मेगावाट। मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे लंबा पुल किस नदी पे है, तो तवा नदी पे, कौन सा रहोगे, मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे लंबा पुल, तीसरा सबसे लंबा पुल कितनी लंबाई है, 13-22 मीटर। दूसरा, ये तो तीसरा है, भिटौली, भिटौली में किस नदी पे है, नर्मदा नदी पर, कहां पे है ये, जबलपुर, कितनी लेंथ है, 13-44 मीटर। अब फर्स्ट कहां है, फर्स्ट सिंध नदी पर, शिवपुरी जिले में, सिंध नदी पर शिवपुरी जिले में स्थित है, लेंथ 2500 मीटर, कितनी रहोगे, 2500 मीटर इसकी लंबाई है, कितनी लंबाई गाइस, 2500 मीटर। अब सबसे बड़ा कहां पर निर्माणाधीन है, तो एमपी का सबसे बड़ा
नदी पुल जो अभी निर्माणाधीन है मंदसौर में है, ठीक है, 4310 मीटर का। नदी चंबल, कौन सी होगी? नदी चंबल। अगेन रिपीट होगी, कौन सी नदी है यहां पे गाइस? चंबल नदी है। तो गाइस इतनी ही क्लास हो पाएगी बिकॉज आप सभी की एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे शुरू हो चुकी है। तो गाइस यहां तक कोई डाउट्स है पूछ लीजिए, इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे 10:30 बजे, अपन हमेशा मिला करेंगे, ठीक है। और आज आपकी सागर जिले की क्लास नहीं हो पाई, थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, कल आपकी क्लास रहेगी। तो सभी लोग कहाँ आ जाओ जल्दी से, अनअकैडमी बस पे। और आपका कोई डाउट बनता है जल्दी से बता दीजिए। और हाँ, सारे विद्यार्थी अनअकैडमी लक्ष्य पर ज्वाइन जल्दी से कर लें चैनल। अनअकैडमी लक्ष्य कौन से विद्यार्थी रह गए हैं टेलीग्राम पर मिलेंगे, इसके नोट्स डाल दूंगा, जिससे आप बाकी की नदी पढ़ लेना। जल्दी से सभी आ जाओ, कोई डाउट जल्दी से, अब डाउट तो बता दो, कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से बताओ बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। जल्दी से क्लियर करो बेटा, समय हो रहा है, कोई डाउट हो तो आप पूछो जल्दी से बेटा। नदियां चल रही हैं अभी, सारी नदियां कराऊंगा ऐसे एक एक बोर्ड पर आप सभी को। कैसे एनवी प्लस करूं मैंने बेटा, आप जो है अनअकैडमी प्लस ऑन करो और आ जाइए, अनअकैडमी प्लस पर पढ़ेंगे अपन, जो है क्लास आपकी शुरू होने वाली है, 11 बज चुके हैं। चलिए तो मिलते हैं गाइस अनअकैडमी प्लस पे, क्लास पसंद आई हो तो फीडबैक जरूर दें अपने। चलिए।